The first problem that people face is overthinking. So when examination is approaching, then you people start having self-doubt. Self-doubt होना बहुत बड़ी बात है. Especially अगर आपने already exam past में दिया हुआ है, आपने already qualify नहीं किया exam, तो आपको बार बार previous year की जो mistakes थी वो आपको haunt करेंगी और शायद आपको लगेगा कि शायद इस बार भी मेरा कुछ change नहीं हो रहा है, इस बार भी मैं same problem face कर रहा हूँ, इस बार भी मेरी study same है और status change नहीं हो रहा है. So वो thinking आएगी, उसको आपको रोकना नहीं है, resist नहीं करना है, चलने देना है. साथ साथ में आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर मैंने क्या चीज़ नहीं की थी जो मुझे इस बार करनी है. लास्ट ईयर जो मेरी डिफिकल्टी थी उसको मुझे नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट करना है. 2 वीक्स में वो जो खत्म कर देनी है, मुझे एक टाइम लिमिट सेट करनी है और मुझे वो खत्म कर देनी है. ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्मॉल स्मॉल गोल्स बनाने हैं. स्मॉल गोल्स का मतलब आप ऑलरेडी वीकली और डेली गोल बनाते हैं. मेरा कहने का मतलब है कि आपको नेक्स्ट 1 आवर का गोल बनाना है. 1 आवर के अंदर भी आपको 10 मिनट्स का, 5 मिनट्स का गोल बनाना है, जिससे कि आपका कोई भी मिनट वेस्ट ना हो. आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका कोई भी टारगेट मिस ना हो, ठीक है. अगर आपको टारगेट मिस हो रहा है, बार बार मिस हो रहा है, आप एक बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग में हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं. आपको ये खत्म करना है, आपको स्मॉल टारगेट को अचीव करना है. आप टारगेट अचीव करने बिना नहीं सोएंगे. अगर आप सोएंगे तो आप उसको बार बार पोस्टपोन करते रहेंगे. जब आप टारगेट अचीव करे बिना नहीं सोएंगे तो आपके ऊपर स्ट्रेन होगा. नेक्स्ट डे आपको यह रहेगा कि अगर मैंने टारगेट टाइमली अचीव नहीं किया तो मैं टाइमली नहीं सो पाऊंगा, इसलिए मुझे टारगेट पहले कंप्लीट करना है जिससे कि मैं सो सकूं. आपको अपने आप को रिवार्ड तभी करना है जब आप टाइमली टारगेट पूरा कर लो. अगर टाइमली टारगेट पूरा नहीं करते हो, आपको लंच डिनर जो स्किप करना है कीजिए, अपने आप को डिस्कम्फर्ट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा करके बोल रहा हूँ, आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है, बट हेल्थ तो ठीक है, एक टेम्परेरी फेनोमिना है. टेम्परेरी पेन मिलेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फील तो होगा ना कि ये पेन क्यों आ रहा है, मैं क्यों लंच मिस कर रहा हूँ, क्यों डिनर मिस कर रहा हूँ, क्यों मैं डिले हो रहा है मैं सोने के अंदर, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सही काम नहीं किया. जब मुझे टारगेट पे काम करना चाहिए था उस समय मैं सोशल मीडिया पे था, उस समय मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, उस समय मैं एक्स्ट्रा यूजलेस मटेरियल पढ़ रहा था. तो आपके लिए एक वार्निंग, एक सिग्नल बनेगा कि नहीं, मुझे उस समय वो काम नहीं करना चाहिए था. और आप नेक्स्ट डे एक मॉर्निंग से ही आप टारगेटेड वे में काम करोगे, ठीक है. तो आपको स्मॉल स्मॉल 5 मिनट 10 मिनट का गोल करना है, और गोल अचीव नहीं होता है तो अपने आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देना है. पनिशमेंट के बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे. नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट बिग मिस्टेक जो लोग करते हैं, आजकल एक ट्रेंड चला है कि हम PDF में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ऐप में आप लोग टेस्ट देते हैं. देखिए, उससे हमें मिस्टेक्स तो क्विकली पता चल जाती हैं कि मेरी ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, मेरे इतने क्वेश्चंस गलत हुए. बट अगर हम देखते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी काम आती है. वहाँ पर आपको अभी भी एक ट्रेडिशनल पेपर मोड में ही आपको पेपर मिलेगा, जहाँ पर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी होगी कि मेरे 100 में से 40 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 60 बचे हुए हैं, 100 में से 40 मेरे करेक्ट मार्क्ड हैं और 60 में मेरे डाउट है. को आपको वो कैलकुलेशन मैनुअली खुद से करनी है. कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप आपको वो करके नहीं देगा. तो अवॉइड कीजिए, जितना पॉसिबल हो आप एक रियल एग्जाम टाइम में आप कीजिए. डेली बेसिस पे आप OMR प्रैक्टिस कीजिए. घर पे ला करके कम से कम 50 OMR शीट आपको होनी चाहिए, प्रिंट आउट कीजिए. और डेली, इवन इफ यू आर प्रैक्टिसिंग 10 MCQ, इवन इफ यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग 5 MCQ, ट्राई टू यूज द OMR विदाउट स्किपिंग ऑन एनी डे. नेक्स्ट है कि आपको जो पेपर आप प्रिंट भी करते हैं, सपोज यू आर टेकिंग ए प्रिंट आउट, सो इफ इट इज हैविंग bilingual, अगर bilingual पेपर है, सपोज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों हैं, तो आप इसको 2 साइड प्रिंट कीजिए. बट सपोज दिस इज ए पेपर ऑफ यू नो वन सिंगल लैंग्वेज, सिर्फ सिंगल इंग्लिश लैंग्वेज या सिर्फ हिंदी जो आपकी लैंग्वेज हो सकती है, इन दैट केस यू हैव टू एंश्योर कि आपका सिर्फ और सिर्फ 1 साइड प्रिंट होना चाहिए. उस केस में आपका 2 साइड प्रिंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप 2 साइड प्रिंट करते हैं सो आपको एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आएगी. एग्जाम में 2 साइड में 2 अलग अलग लैंग्वेज प्रिंटेड होती हैं. एक लैंग्वेज अगर आप फॉलो करेंगे इंग्लिश, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको साइड, सिर्फ 5 क्वेश्चंस एक बार में देखेंगे. अगर आप घर में आकर के सिंगल लैंग्वेज में
10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस देख पाते हैं एक साथ में, तो वो एग्जाम वाला फीलिंग आपको नहीं देगा। तो आपको हार्ड कॉपी ओएमआर शीट को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग करते हैं कि आप अगर आप कहीं फंस जाते हैं डिफिकल्ट एरिया में, तो आप वहां पर अटके रहते हैं, वहां से निकलने का रास्ता नहीं निकालते हैं। तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि आपको एक अपर टाइम लिमिट फिक्स करनी है। सपोज आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, उसके अंदर आपके पेंटिंग्स हैं, डांसेज हैं, कुछ घरानाज हैं, या और आपके फोक डांसेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप वहां पर अटक रहे हैं तो वहां से आगे बढ़िए, पीजिए 10-15 मिनट्स, 20 मिनट, 30 मिनट टाइम दीजिए, कुछ अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, मेमोरी ट्रिक्स अप्लाई करने का, कुछ इंटरलिंकिंग करने का, बट वहां पर अटके नहीं रहना है, वहां पर फंसे नहीं रहना है। अगर वहां फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप एक टाइम लिमिट रखिए और आगे बढ़िए। और नेक्स्ट थिंग आपको है कि आपको ऐसे एरियाज को सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है, ऐसे एरियाज को छोड़ना नहीं है, आपको एक अलग के पेज पर लिखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट मिस्टेक। तो फोर्थ मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो है कि आप रिवीजन नोट्स को सही से नहीं बनाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, रिवीजन नोट्स के नाम पे पूरे के पूरे नोट्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको आप सिनॉप्सिस बना देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। ये देखिए, ये डायग्राम है जिसमें एटमॉस्फियर का एक माइंड मैप बनाया हुआ है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इतना ज़्यादा इसको मतलब आपने बना दिया है, इतने ज़्यादा आपने पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन कर दिए हैं कि अभी आपको इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट के बीच में डिफरेंस दिखना बंद हो गया है, डिफिकल्ट और इजी एरिया के बीच में डिफरेंस होना डिफरेंस दिखना बंद हो गया है। आपको क्या करना है, जो डिफिकल्ट एरिया है उसको सेपरेटली लिखना है। सपोज आपका डिफिकल्ट एरिया है मनी एंड बैंकिंग, या सपोज आपका डिफिकल्ट एरिया है सपोज मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपका डिफिकल्ट एरिया है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, आपको नाम याद नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन पर्सनैलिटी इवेंट वो सब याद नहीं होते, आपको एक टेबल बनानी है और एक सेपरेट रजिस्टर में आपको रखना है, और सुबह शाम डेली बेसिस पर उस रिवीजन को आपको उसको रिवीजन नोट्स को फॉलो करना है। तो रिवीजन नोट्स का मतलब शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस, सब कुछ लिख डालना वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एरिया जो आपके लिए डिफिकल्ट है, जो आपको ट्रबल करता है, जिससे आपको नाइटमेयर होता है, जिससे आपको डर लगता है, वो एरिया आपको ठीक करना है। नेक्स्ट आप मिस्टेक जो करते हैं वो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं। हम लोग अपनी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं और हमें लगता है कि ठीक है एक बार पढ़ लिया तो फिर बार बार पढ़ने की जरूरत क्या है। बार बार पढ़ने की जरूरत है, स्पेशली अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो 1992 से 2011 तक का जो आपका पीरियड है, ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है, और इसीलिए हम लोग डैडे में आईएएस में एक सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें 1992 से लेकर के 2011 तक के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, उसके लिंक हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए और वहां पे नए नए क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, नए नए क्वेश्चंस को आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ट्रिक देखना है, इंटेलिजेंट गैसिंग, एलिमिनेशन, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, आपके खुद के फेवरेट एरिया में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अभी भी करने में डिफिकल्टी होती है। तो ट्रिक्स आपको सीखनी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागना है, और आपको बाउंड्री डिफाइन करने में हेल्प करेगा ये। देखिए जब हम टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये नहीं आता है या हमें ये आता है, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सही बताएंगे कि आप एक्चुअल में सही लाइन पर चल रहे हो, कि आप सही टॉपिक पढ़ रहे हो या आप डाइग्रेस हो रहे हो। नेक्स्ट, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, आप अभी चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर आप एक ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं contact@didemy.com, इस ईमेल पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी सेशंस हम लोग ला रहे हैं, वी हैव वन मोर सेशन ऑन इंस्टाग्राम, कल इंस्टाग्राम पे हमारा एक सेशन है, और देन ऑन 1st April आई हैव वन मोर सेशन वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द 5 थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड टू रिवाइज, रिविजन के लिए 5 चीजें क्या याद रखनी है, कैसे रिवाइज करना है, वो मैं आपको 1st April में 4 PM पे सेशन में बताऊंगा। सो विद दिस आई कंप्लीट द सेशन एंड थैंक यू वेरी मच, प्लीज कीप नोटिसिंग दिस मिस्टेक एंड कीप अवॉइडिंग दिस मिस्टेक एंड कीप वर्किंग, कीप मूविंग। आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे, आपको इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करना है, ड्रेस्टिक परफॉर्मेंस तभी इंप्रूवमेंट हो सकता है। डेली बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ एक नया एक अचीवमेंट लेके आनी है, नॉर्मल के बियॉन्ड आपको लेके आनी है, वो आपको रेगुलर वर्क करना होगा, उसके लिए आपको ये टिप्स फॉलो करनी होंगी। कोई एग्जाम को क्लियर करने का शॉर्टकट नहीं है, और इसी रास्ते से एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो मेरी विशेष आपके साथ है, प्लीज प्लीज फॉलो द टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
और मैं रेगुलर और वीडियोस आपको लाके देता रहूंगा. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू एंड बाय बाय. टेक केयर.